एक्स्ट्रा टाइम। पहला मैच और ये मैच सीधा सुपर ओवर में और आपने इसको जीत लिया है, क्या ये काफी पॉजिटिव वाइब आपको दे रहा है आपकी टीम में, क्या माहौल है? ऑब्वियसली पॉजिटिव वाइब मिलता है, आप जब भी जीतते हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाइब मिलता है। और जिस तरह से मैच हमारे फेवर में आके फिर किंग्स इलेवन के फेवर में चला गया, उसके बाद उधर से हमने जो कमबैक किया, फिर सुपर ओवर में सिर्फ 2 ही रन दिए, तो ऑब्वियसली टीम इतनी पम्प्ड अप हो चुकी है और उनका मॉरल भी इतना बूस्ट हो चुका है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सब लड़के। मार्कस स्टोइनिस का फॉर्म में आना शुरुआत में टीम को ऐसा, ये कितना टीम को इम्पैक्ट करेगा? आई थिंक बहुत ही इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे मार्कस स्टोइनिस खेलता है, कि आप अगर टीम में आपको 6 बॉलर से जाना है तो आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, और अगर वो आपको बैटिंग से या कोई गेम में बॉलिंग से भी आपको कंट्रीब्यूशन दे सकता है तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे उसका फर्स्ट मैच में अगर ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो ऑब्वियसली टीम का माहौल और पूरा स्ट्रेटजी हम एक ही तरह से जा सकते हैं कि भाई हम स्टोइनिस को 6 नंबर खिलाते हैं और ज़्यादा चेंजेस ना करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। थैंक यू अक्सर। आखिरी सवाल आज का, श्रेयस और ऋषभ की पार्टनरशिप कितनी इम्पोर्टेंट थी और उससे इनिंग्स को क्या फायदा हुआ? ऑब्वियसली जैसे कि पावर प्ले में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी 3 विकेट चले जाएंगे, तो होता है कभी कभी आप पिच को जल्दी रीड नहीं कर पाते हो तो ओपनर्स ने जल्दी विकेट गवा दिए, लेकिन उसके बाद जो ऋषभ और अय्यर ने जैसे कंट्रीब्यूशन दिया, वो लगातार पार्टनरशिप बढ़ाते गए और लास्ट के 12 और 13 ओवर तक उन लोगों ने पार्टनरशिप लेके गए और बीच बीच में कुछ बड़े शॉट भी लगाए, तो वहाँ से हमें मोमेंटम मिला और उसके बाद तो आपने देखा कि स्टोइनिस ने मैच पूरा ख़त्म कर दिया और मोमेंटम हमारे पक्ष में दे दिया, तो बहुत ही अच्छा हुआ जो भी हुआ, और हम यही चाहते कि दूसरे मैच में भी हम ऐसे ही कॉन्फिडेंस से आएंगे। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.